साल चला इंडिया मीडिया ने विनीता के साथ। ये देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर से शुक्रवार को प्रभात फेरी निकाली गई। हर साल मंदिर के स्थापना दिवस के मौके पर प्रभात फेरी व महाभंडारे की प्रथा है, जिसे इस साल भी निभाया गया। प्रभात फेरी में हजारों भक्तों ने शामिल होकर ध्वज थामा और जय बाबे दी के नारों के साथ निकल पड़े। खुर्सीपार से प्रभात फेरी निकालकर भिलाई शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाबा की प्रभात फेरी वापस मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान हजारों भक्तों ने इस प्रभात फेरी में भाग लिया। हाथों में ध्वज थामे भक्त बाबा की जय के नार के साथ पैदल चल रहे थे। यह प्रभात फेरी ने लगभग 10 किलोमीटर का भ्रमण किया। प्रभात फेरी जिस भी मार्ग से निकली, लोगों ने फूलों से प्रभात फेरी में शामिल लोगों का स्वागत किया। 13 मार्च को मंदिर परिसर में हवन का महाभंडारा होगा। मंदिर कमेटी के लोगों की माने तो बाबा बालकनाथ मंदिर में 58 व महाभंडारा व हवन कार्यक्रम 13 मार्च को होगा। सुबह 9 बजे से हवन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। महाभंडारे में 50,000 से ज्यादा भक्तों के लिए यह भोजन की व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहती हूँ। और श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी मंदिर जो कि कुर्सी पार में स्थित है, यहाँ पर लोग यहाँ से देश विदेश से यहाँ पे आते हैं। इनकी इतनी श्रद्धा, जब मैं बहुत छोटी थी यहाँ पे, तब से मैं आ रही हूँ। बाबा बालकनाथ की इतनी कृपा हम पर रही है और मैं चाहूंगी कि आप सब यहाँ पर आए और बाबा का भंडारा महायज्ञ, 98वां महाभंडारा महायज्ञ होने वाला है, उसे आकर जरूर हम से करें। और लगभग 58 वर्ष हो गए यहाँ पे महायज्ञ और भंडारा करते हुए, और ये हमारा आयोजन 4 दिन का होता है, जिसकी शुरुआत आज झंडा फेरी से हुई है। कल हम अभिषेक करेंगे बाबा जी का, परसों महायज्ञ भंडारा होगा, जिसमें देश विदेश से करीब करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, और हमने सबके प्रसाद की व्यवस्था की हुई है। परसों सोमवार को पूर्णाहुति होगी, जिसमें महायज्ञ होगा और फिर कार्यक्रम का समापन होगा। और बाबा जी के ऊपर पूरे देश विदेश सबकी बहुत श्रद्धा है, बाबा जी सबका काम बनाते हैं। धन्यवाद। बाबा सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी विगत 58 वर्षों से और ये आयोजन करते आ रही है। इस आयोजन के कारण से हम बहुत सारे भक्तों को जोड़ सकते हैं अपने धर्म के प्रति। हम बाबा का एक सात्विक प्रचार कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ जितने भी मन्नत, जितने भी भक्त आते, किसी भी जाति धर्म के भक्तों, किसी एक जाति के लिए नहीं है, ये सबकी मनोकामना बाबा जी पूरी करते हैं। विगत 58 वर्षों से मंदिर कमेटी इस आयोजन को करते आ रही है और उसी कड़ी में आज भी इस आयोजन को किया गया है। कल भंडारा बनना प्रारंभ होगा और संडे को 13 तारीख को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक बृहद महाभोग प्रारंभ होगा, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तजन जुटेंगे, जिसमें प्रदेश ही नहीं विदेश से भी जो भक्त यहाँ के मानते हैं बाबा को, वो आते हैं अपनी सच्ची श्रद्धा से, अपने परिवार के साथ आके कार सेवा करते हैं और निशुल्क बिल्कुल सहायता करते हैं मंदिर के लिए। सोमवार 14 तारीख को 1 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर में बाबा का 21 कुंडली महायज्ञ होगा, उसके पश्चात इस बृहद मेले का समापन किया जाएगा।